हेलो। हाँ भाई सुनना, करबाण मेला में झुमका लेने आया हूँ, पैसा लेके पहुँच। देखा है पहली बार अंधे की आंखों में प्यार। तो दोस्तों मैं रुक जा। तो दोस्तों मानदरा लगाई भाई। हेलो एवरीवन, दिस इज नागेश ब्लॉग 007 बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज थारा भाई जा रहा है मेले में। अरे तू जा रही, जैसे कि कल गया था आपका भाई मेले, उतना रिएक्शन वीडियो नहीं बना पाया, मतलब रिएक्शन वीडियो बनाया ही नहीं यार। सो गाइस, एक बंदा ने मेरे को कमेंट किया था भाई रिएक्शन वीडियो लाओ बोल के। सो भाई आज उसका तमन्ना पूरा होगा, क्योंकि आज थारा भाई दोस्तों मतलब आपका भाई रिएक्शन वाला वीडियो लेके आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए आज के मेले में क्या सीन रहता है, चलिए देखते हैं। एंड ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना दोस्तों। एंड आप सभी की भाभी के लिए भी कुछ ले देना है आज। अच्छा हमको। सो फिलहाल अपन लोग चलते हैं, बहुत लेट हो चुका है। अभी बज रहे हैं, कितना बज रहा है तो भाई घड़ी भी नहीं पहना हूँ। सो अभी बज रहे होंगे दिन के 3-4 जो भी है, मतलब 3-3.5 बज रहे होंगे। अरे तो उसमें मेरा क्या फायदा। तो चलिए दोस्त अभी चलते हैं, व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। आप सभी को मिलता हूँ मैं सीधा डायरेक्ट मेले में। गाइस यार फाइनली मैं अभी पहुँच चुका हूँ करपाण मेले में, और दोस्तों यहाँ पे काफी भीड़ हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे क्या ही बताएं कि बहुत क्यूट क्यूट लोग हैं, और बहुत नजारे देखने को मिल रहा है भाई, क्या ही बताऊँ आप सभी को। तो चलिए दोस्तों करपाण मेला का थोड़ा क्या बोलते हैं इंजॉय उठाते हैं। जो एक उठाते हैं। क्यों रे? हाय 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 हाँ, ये कर लो पहले। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यार मेले में। तो क्या नाचो मैं? जैसा कि आप देख रहे हो इतना भीड़ है भाई, चलने के लिए जगह बचा है। हवा हवा है हवा, खुशबू लगा दे, हवा खुली हथली जरूर। लेकिन अपने चलने के लिए बचा है, और दूसरे के चलने के लिए सब भीड़ भाड़ है, देख सकते हो। सो गाइस फाइनली मैं अभी बदन भी मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई, फोन का नाम से मैं इतना मेरी पत्नी के लिए मंगलसूत्र लेने आ चुका हूँ मैं भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी सिंदूर भी लेना है, शादी है। और क्या क्या चाहिए तो भैया? लड़कियों का चक्कर हम लोग नहीं जानते, मतलब लड़कियों का सामान हम लोग जानते नहीं है गाइस। तो रहने दो फिर। तो दोस्तों फाइनली हाय भैया, कैसे हो आप? किसके साथ आए हो? मैडम के साथ। अरे कहना क्या चाहते हो? हाय भाभी जी। हाय। अच्छा तीनों है और कोई नहीं है? हाँ वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस यार हमें प्यास के कारण बोलने नहीं हो रहा है। अच्छा तो इसलिए हम लोग जाएंगे अभी थोड़ा पानी पीने या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, क्यों नहीं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं चश्मा लेने। ये अंकल क्या तू ले रहा है ना? ना चल चूज कर। तो चलिए दोस्तों फिलहाल अपन लोग चश्मा वगैरह चूज कर लेते हैं। चलो भाई एंड कौन सा चश्मा बेटर लगेगा तो देखेंगे। तो गाइस यार हम जो चश्मा ढूंढ रहे हैं ना वो चश्मा मिल नहीं रहा है यार। तो रहने दो फिर। क्या ही बोले, इतना बड़ा मेला में अपन लोग का फेवरेट वाला चश्मा नहीं मिल रहा है तो क्या का मेला भाई। बात तो सही है। 100 में 2 जोड़ी मतलब 100 में 1 जोड़ी पसंद कर। जो गाइस आपके भाभी के लिए वाला 100 में 1 जोड़ी है। अच्छा हमको सिखा रही है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। 33 नंबर का है, पड़ेगा भी अच्छा पड़ेगा। गाल में भी पड़ जाएगा। हाँ गाल में पड़ने से भी भाई अच्छा पड़ेगा। आप सभी की भाभी को लेकिन सस्ता माल पसंद नहीं है यार। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। दो दिल का बहुत दरिया है और मेरा दोस्त बहुत दरिया है। चलिए दोस्तों अभी फिलहाल अपन लोग झूले साइड पहुंचने ही वाले हैं। मेला दिलों का आता है एक बार। देखे गाइस झूला साइड पहुंच भी गए, इतना जल्दी है, इतना फास्ट। तो गाइस यार अभी भी अपन लोग आ चुके हैं अपने भैया के यहाँ डोसा खाने। भैया
तो भैया अभी फटाफट से अपने लिए 3 डोसा बनाएंगे। अच्छा, डोसा बनाने का तरीका है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, डोसा बनाने का औजार। तो अभी अपना डोसा बन रहा है। सो गाइस यार, फाइनली मैं डोसा खा लिया हूँ। भैया खाते थे भाई, बहुत ही अच्छा बनाते हैं अपने भैया। चलिए दोस्तों, फिलहाल अपन लोग चलते हैं थोड़ा चील मारने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों हमें मिल चुका है खुल्लम खुल्ला जगह, यहाँ पे पूरा खाली है। देखे हम यहाँ पे हाई गर्मी भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग भी हक सकते हैं, लेकिन हम लोग रोड में नहीं हकते। कितना भैया, कितना है? 10 है? 10 10 रुपया? 10 रुपीज। इतना बड़ा हो जाता है पर नहीं हो तो बुलाएगा, इससे भी बड़ा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मेरे को तो नहीं लग रहा भैया ये इतना बड़ा होगा। चलिए दोस्तों, ये फुग्गा इसको लेके देखते हैं, मतलब इसके बड़ा होगा कैसे, तो इतना बड़ा होगा कैसे, तो देखते हैं। और नहीं होगा तो भैया देखेंगे। अपन लोग को ठगा जा चुका है, यहाँ पे देख रहे हो, इतना बड़ा फुग्गा दिखाकर इतना बड़ा हो गया है। देखो भाई, ओ भैया धोखा। ऐसे ऐसे मेले में लोग रहते हैं, देखो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। क्यों नहीं, रिपोर्ट लिखाएंगे अभी भाई, रिपोर्ट लिखाएंगे भाई। 10 रुपया दिए इसके लिए, 10 रुपया। इतना बड़ा फुग्गा को दिखा के ना भाई, ये देखो कितना बड़ा हो चुका है। छी, हट पट। सो गाइस यार, इस फुग्गा का तो हम कुछ नहीं करेंगे, एंड किसी बच्चे को हम लोग दे देंगे ये फुग्गा को। तो चलिए एक क्यूट सा बच्चा ढूंढते हैं एंड इसको गिव्वे कर देते हैं। इतनी खुशी। मुझे बेटा क्या ही करेगा, यूं मोहल्ले में घूम के तू क्या ही पड़ेगा। हेलो, हाँ भाई सुनना, करबाण मेला में झुमका लेने आया हूँ, पैसा लेके पहुँच। दोस्तों अभी ला रहे हैं पैसा, ठीक है। क्या बोलती करबाण की पब्लिक, अब रिएक्शन नहीं देती। अच्छा खुशी, तेरे को कुछ चाहिए? ऊपर चाहिए, बैलून चाहिए इसको गाइस, बैलून। खुद तो बलून जैसी फूकी हुई है। क्या बोला तूने? देखा है पहली बार अंधे की आंखों में प्यार। सो गाइस फाइनली अपन लोग एंट्री मार चुके हैं, मतलब एंट्री कर चुके हैं। बहुत डिफिकल्ट है भाई, बाहर इतना भीड़, धक्का मुक्की, मेरा नया चप्पल को भी तोड़ दिए। सबका पैसा वसूल करूंगा मैं। अच्छा, तो गाइस फाइनली अपन लोग चढ़ चुके हैं यार झूले पे, और भाई इतना देर बाद हमको मिल चुका है अच्छा वाला सीट। तो क्या नाचो भाई? तो दोस्तों मैं रुक जा। तो दोस्तों मान दे रहा है गाइस, वैसे ही जहर वाला यार, फ्री का माल है बोल के मैं इतना झूल दिया, अब नीचे जाके ना ढुलंग हो जाऊंगा मैं। कौन तो खाई साड़ू भाई, कौन किया जाए लू। तो चलिए अभी फिलहाल नीचे उतरते हैं भाई। अच्छा संभाल के भाई, अपना मोबाइल ही नीचे गिर गया था यार, कहते जहर वाला। तो चलिए अब नीचे, सब हो रहा है शाम और भीड़ हो रहा है काम। और अपना निखिल भाई हमेशा पागल टाइप का होते रहता है, गजब बेइज्जती है। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता।